न केवल देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं, नए झंडा गाड़ा जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40-40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहाँ पे छापा मारेगा। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, साल भर से बोल रहा हूँ, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूँ, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है, मैं लगातार एक साल से बोल रहा हूँ। 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहाँ का एक चपरासियों से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहाँ जाता है। कोई नई बात नहीं है इस एटीएम के खुलासे से, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खुलने लगा है। सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। ये सारी प्रक्रिया चल रही है और ईडी के इस छापे के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है भूपेश बघेल जी की, वो भी आश्चर्यजनक है कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। बीजेपी सीधी लड़ाई लड़े वो एक अलग मुद्दा है। हम लोग सक्षम हैं और ये सरकार जाने वाली है, और ख़ास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूँ कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं। भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीज बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, एक साल का समय बाकी है। उनको भी सावधान रहना चाहिए जो आज हश्र हो रहा है उसको देख रहे हैं। और केंद्रीय एजेंसी जब आती है, इस एजेंसी का इंतजार तो भूपेश बघेल पहले ही कर रहे थे। जिस दिन आईटी का रेड बना और पड़ा, उस दिन से वो बोला ईडी आएगा, ईडी आएगा, ईडी आएगा, ईडी आएगा। अब आ गया है तो क्यों घबरा रहे हो? वही बोलता था, हर प्रेस में बोलता था आईटी आया, ईडी आएगा, ईडी आएगा। ईडी आया तो धमाके से आया है, साक्ष्य को लेकर आया है। और ये सारे चीज जब खुल के आएंगे, कई हजार करोड़ का खेल है भाई। और ये कोई खुली, आप में से सब कोई जानता है, मुस्कुराओ मत आप लोग, एक एक पत्रकार जानता है कि क्या लंबा खेल हो रहा है। एक एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के जानता है। ईडी के लिए कोई नई बात नहीं है, कोई नई पहलू नहीं है। इतना बड़ा आज ये भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये सरकार और इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ना कहीं सड़क बनाया, ना कहीं पुलिया बनाया, ना स्कूल बनाया, ना कोई अस्पताल बनाया। सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, वहाँ के लिए पैसा नहीं है। मगर वसूली करके असम के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बाकी जगह के चुनाव में भेजने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। तो आज ये परिस्थिति सामने आई है और आज तो ये शुरुआत है। आने वाले समय में एक एक तथ्य जब सामने आएंगे तो इनको जवाब देते नहीं बनेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.